हेलो एवरीवन गाइस, एनी स्टॉक आइडिया ऑन दिस चैनल इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। प्लीज़ टेक अ व्यू ऑफ योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन टेक अ कॉल। कोई भी बाय या सेल इस वीडियो या कोई भी प्रॉफिट कर्व के वीडियो देखने के बाद ना करें। एज ऑफ नाउ द स्टॉक दैट लुक्स ब्यूटिफुली प्लेस्ड एंड लुक्स लाइक अ बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट इज़ HDFC बैंक। हाई क्वालिटी मंथली RSI इसका बिल्कुल परफेक्ट 60 के लेवल तक जा रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आवरली एंड डेली RSI में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, तो ये मुझे दिखा रहा है दैट शॉर्ट टर्म में प्रेशर है। हाउएवर द लेवल्स टू वॉच आउट फॉर 1575। अगर आज कल में ये 1575 के आसपास सपोर्ट लेता है देन आई थिंक पिवट पॉइंट के ऊपर इसका मंथली लेवल पे अगर आप टारगेट देखेंगे बजट के पहले तो वो 1659 तक का रेजिस्टेंस है। इफ़ इट क्रॉसेज 1611 लेवल्स, यानी कम से कम 1575 टू 1611 पे एक 1611 पे रेजिस्टेंस है, और अगर वो तोड़ता है तो 1659 तक दूसरा रेजिस्टेंस है विच आई एम श्योर इट शुड रीच अगर मोमेंटम इसके साथ आ जाता है। निफ्टी के लेवल भी आप देखें तो 17,800 वेरी स्ट्रांग सपोर्ट एंड ऊपर में 18,300 18,300 वेरी स्ट्रांग रेजिस्टेंस। तब तक निफ्टी बीच में रेंज बाउंड है। सो इस स्टॉक पे नज़र रखिए, कीप अ ट्रैक अपने ट्रेनिंग लेवल के लिए, पोजीशंस के हिसाब से इस पे नज़र रखिए, ट्रैक HDFC बैंक। ये ऐसा स्टॉक है कि अगर आप कभी इसमें लेके अटक भी जाते हैं देन इट्स अ हाई क्वालिटी बैंक। गिरावट में सबसे कम गिरता है, बुलिश मार्केट में भी एकदम तोड़फोड़ नहीं चलेगा, बट इट विल गारंटी यू सेफ्टी एंड रिटर्न्स का एक प्रोबेबिलिटी देके जाता है। सो आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।